नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। कृष्णा यादव उर्फ छोटा लालू का एक बार फिर से बयान सामने आया है। जी हां, बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी पर फिर से छोटा लालू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों छोटा लालू के ऊपर बदमाशों के द्वारा हमला किया गया था और इस हमले में छोटा लालू गंभीर तरह से जख्मी हो गए थे। हॉस्पिटल में तकरीबन उन्हें एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक भर्ती किया गया था। इस बीच छोटा लालू ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। छोटा लालू का कहना था कि बीजेपी के गुंडों ने उन पर हमला किया है। अब छोटा लालू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। उनकी स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। इस बीच एक बार फिर से छोटा लालू ने एक वीडियो जारी कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। वहीं कई नेताओं को उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है। क्या कुछ कह रहे हैं छोटा लालू, आप खुद सुनिए। नमस्कार सभी साथियों को, मेरा प्रणाम। बहुत दिनों के बाद आप सबों के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग इतने दिनों के बाद आप लोग के बीच मैं उपस्थित हुआ हूँ, इसका कारण आप लोग जान ही रहे हैं कि भाजपाई गुंडों के द्वारा मुझे जान से मारने की कोशिश की गई थी और मुझे अधमरा कर दिया गया था। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के आवाज़ निकालने के कारण मुझे बीजेपी के गुंडों के द्वारा हम पे हमला कर दिया गया था। आज से कई दिनों पहले हम सभी साथी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें ईश्वर से प्रार्थना किया हमारे लिए और हम जैसे लोगों को भगवान से प्रार्थना करके आगे बढ़ाने की कोशिश की। वो सभी साथियों को आज इतने दिनों के बाद मैं स्वस्थ हुआ हूँ, इसलिए सभी साथी को मैं प्रणाम, धन्यवाद, आदाब, सलाम करता हूँ। और आज मैं खड़ा हूँ ये एक भगवान है इंसान के रूप में, उनके बदौलत मैं आज खड़ा हूँ। वो हैं हम लोग के बड़े भैया, हम लोग के गार्जियन स्वरूप आदरणीय ओम प्रकाश भैया और भुट्टू भैया। वो अगर आज नहीं रहते तो आज हमारा इलाज नहीं हो पाता। भुट्टू भैया 24 घंटे लगातार 4 दिनों तक हमारे लिए हॉस्पिटल में उन्होंने हमें मदद किया और खड़े होकर के जैसे एक छोटा भाई के ऊपर एक बड़ा भाई रहता है उस प्रकार से उन्होंने हमको मदद किया। और राजमाता राबड़ी देवी जी को बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आपने ही भुट्टू भैया को कहा था इन सब चीज़ों के लिए। आप बहुत माँ से बढ़ के हैं, माँ समान हैं आप, कि आप भुट्टू भैया को ऐसा करने को हमारे प्रति हमारे लिए कहा। इसलिए राजमाता राबड़ी देवी जी को भी बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। मैं सदा जीवन आप भुट्टू भैया का, राजमाता का, तेजस्वी जी का और तमाम राजद के वैसे क्रांतिकारी नेता जिन्होंने मेरे लिए टीवी पर आवाज़ उठाई, वो विधायक को मैं कैसे भूल सकता हूँ। आदरणीय रीतलाल यादव जी, चेतन आनंद जी और हमारे राजद के कई साथी जो MLA रह चुके हैं, रीतलाल यादव जी के अलावा सतीश कुमार दास जी, मुकेश रोशन जी और हमारे महनार विधायक माता समान आदरणीय वीना सिंह जी, बेचारी हमारे लिए जब मेरा सर्जरी चल रहा था, दांतों का ऑपरेशन हो रहा था, उस दरमियान बेचारी 2 घंटा हमारे लिए वो रही और हमारे माता को सांत्वना देने का काम किया। एक माता ही एक माता को सांत्वना देता है, इसलिए वीना सिंह जी को खास करके मैं उनका आभारी रहूँगा कि आपने इस स्थिति में हमें साथ दिया। और हम अपने प्रदेश के सभी युवा साथी को, खास करके आदरणीय युवा के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहैब जी को,
कि आप आए, हमें हमसे मिले और कुछ सहयोग किया, इसके लिए कारी सुहेब जी को धन्यवाद। और युवा साथी हम लोग के गार्जियन बड़े भाई गुड्डू यादव जी को खास करके बधाई और धन्यवाद कि आपने एक बच्चा पे आप लोगों ने ऐसा किया। और हमारे मामा अगर नहीं रहते देव पूजन मामा, तो ये सारी चीज़ें बेकार रहता, ये सारी चीज़ें असफल रहती। और संजय पटेल जी जो वैशाली जिला के जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और तमाम साथी को। और गणपति हॉस्पिटल जहाँ मैं हाजीपुर में भर्ती था, डॉक्टर क्रांति सिंह जी को मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि आपने मदद किया। और हमारे बुद्धा डेंटल के आदरणीय आर के सिन्हा सर का जो नागभूषण मंडल जी का भी मैं आभारी रहूंगा। और बुद्धा डेंटल के तमाम डॉक्टर, तमाम हमारे गार्जियन जो डॉक्टर के रूप में हमें भगवान के रूप में हमें अच्छा करने का स्वास्थ्य के प्रति लाभ पहुंचाए, उन सभी लोगों का मैं आभारी हूं। और खास करके मैक्सो हॉस्पिटल के डायरेक्टर पवन कुमार यादव जी का, डॉक्टर विक्रम सर का, सभी लोगों का मैं आभारी हूं। और तमाम शुभचिंतक जो हमारे बिहार के सभी छात्र युवा हरेक प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथी, बच्चे, नौजवान, बड़े भाई, गार्जियन, सभी लोग ने शोक व्यक्त किया हमारे लिए और ये किया। सभी लोगों को मेरा प्रणाम और सभी बिहार के जनता को मेरा प्रणाम कि आपने मेरे लिए विनती की, प्रार्थना की। आप ही की प्रार्थना के बदौलत मैं अभी जिंदा हूँ और भुट्टू भैया के जो ओम प्रकाश भैया उनके बदौलत मैं जिंदा हूँ। और माननीय MLC सुबोध भैया हम लोग के गार्जियन स्वरूप हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन सभी लोगों को और जो जिनका नाम छूटा है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारे युवा साथी मीडिया प्रभारी अपूर्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, जो लखीसराय के हैं अपूर्व यादव, चाहे दिखने में छोटे हैं लेकिन बहुत काम करते हैं। इसके लिए सभी युवा साथी छात्र को, सभी लोगों को, विशाल गौरव जी को और भाई धर्मेंद्र भाई को, जिन्होंने कलकत्ता से हमें बहुत सहयोग देने का काम किया, जिला परिषद के उम्मीदवार हमारे बड़े भाई संजय राय जी, और हमारे घर के बड़े भाई रंजीत भैया जो पूर्व जिला पार्षद रहे हैं, संजीत भैया उनके भाई, वो लोग आए, चुलबुल भाई हमारे ममेरा भाई लगते हैं, सभी लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दिवाकर जी जो हमें देखने के बाद उनका बेचारा का एक्सीडेंट हो गया, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वे स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहें। इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बच्चा को, एक छोटा भाई को इतना आगे बढ़ाने का कोशिश किया, इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम। और आप लोग के आशीर्वाद से अभी मैं कोलकाता जा रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और बंगाल में ये BJP कितना भी करे उससे घबराने वाला नहीं हूँ। नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे होई, लालू यादव जी ने कहा था, जिनकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे होई, खेला होवे बंगाल में खेला होवे। और आज मैं जा रहा हूँ कलकत्ता की धरती बंगाल में, और BJP का धार करे भाई, ढोल मुस करने का हम लोग काम करेंगे। और रगेत करके देख रहे भाई, ये BJP वाला सोचा कि जबरदस्त तोड़ देंगे, तो लालू ना बोली, लालू मारे वाला हाओ, कितना बार जबरदस्त तोड़ेगा। एक लालू को जेल में बंद किया, एक लालू को सोचा कि जबरदस्त तोड़ करके इसको बंद कर दे। अरे लालू यादव डरने वाला नहीं है, लाख हमला करो और बंगाल में खेला होगा, अब बंगाल के बाद बिहार में खेला होगा और नीतीश को भगाने का हम लोग काम करेंगे। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और जय लालू, जय राबड़ी, जय
तेज तेजस्वी जय भुट्टू भैया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।